खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। चौके नहीं, मैंने अपना प्रोफेशन नहीं बदला है, करछी की जगह ये रैकेट दिख रहा है। देखिए, खाना बनाते बनाते खाना खाने का बहुत दिल करता है। ऐसी बात नहीं है कि हलवाई अपना खाना नहीं खाता है। देखिए, हलवाई जितने होते हैं तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन आजकल के जो शेफ हैं या आप लोग हैं, खाने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, व्यायाम कितना करना है, बहुत ज़रूरी है खेलना कूदना, लेकिन खाना अच्छा खाएं बनाएं उसके साथ साथ ये सब कुछ भी। मैं सब ये ना करूं तो ना जाने मेरी हालत क्या हो जाए, फूल कर खुप्पा हो जाऊं। यानी बहुत बिल्कुल नहीं संजीव जी, मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इतने सालों से मैं आपको खाना खजाना में देख रही हूँ, आप जरा भी नहीं बदले, वैसे की वैसे ही लगते हैं। बल्कि मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है। आज तक मुझे कोई मेरा डायरेक्ट फैन नहीं मिला है। मम्मी मिलती है तो कहती है बेटी फैन है, बेटी मिलती है तो कहती है कि मम्मी फैन है, पोती मिलती है तो कहती है दादी फैन है। चलिए, आज मैं कहती हूँ कि मैं आपकी डायरेक्ट फैन। लेकिन वो सब ठीक है, आप ये बताइए कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? जैसे आप यहाँ वर्कआउट कर रहे हैं, वैसे मैं भी वर्कआउट कर रही हूँ। खैर, जो कर रही हैं करती रही हैं, लेकिन साथ साथ बढ़िया खाना खाएं और खिलाएं। आप कब बुला रहे हैं? जब भी आप चाहें। आप बताइए। आज अभी? ओके, मैं जरा वर्कआउट कर लेती हूँ, देन आई गेट रेडी इनका। फिर वर्कआउट, खैर कोई बात नहीं। तो जब तक वैष्णवी आती हैं, मैं कुछ तैयारी कर लेता हूँ वेजिटेबल स्टर फ्राई की। इसके लिए जो वेजिटेबल्स हैं, मशरूम मैंने काट ली है, और ये लाल रंग की शिमला मिर्च, इसमें लहसुन डालेंगे हम, गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो एक आध गार्लिक का क्लोव, इसे क्रश करना है, और इसको पकाने की तैयारी शुरू करते हैं हम। बहुत थोड़ा सा तेल, तेल गरम हो गया, सबसे पहले ये जो लहसुन हमने लिया है जिसे क्रश किया है, इसे इसके अंदर डालते हैं, और अब हल्का सा इसे मिला लेते हैं। इसमें प्याज, ये स्प्रिंग अनियन है, हरा प्याज है। खैर, यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, जैसे सिंघाड़ा, कच्चे सिंघाड़े को भी डाल सकते हैं, छील कर स्लाइस कर लें, इसको इसमें हम डालते हैं, सिंघाड़ा, और भी कुछ सब्जियाँ डाल लेते हैं, जैसे यहाँ पर ककड़ी या खीरा है, उसको ले लेते हैं। साथ साथ ध्यान रखें इस कढ़ाई में जलनी नहीं चाहिए। फ्रेश मशरूम, और ये जो सब्जियां हैं इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, कुछ पत्ते भी जैसे पालक के पत्ते, इसे हाथ से ऐसे तोड़ लें। ये देखिए, सारी तैयारी पहले से अगर करके रखी हो तो खाना बनाना कितना आसान हो जाता है। शिमला मिर्च, हरी, लाल और पीली। यदि लाल शिमला मिर्च नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, रंग इसका बढ़िया बनाने के लिए आप गाजर भी डाल सकते हैं इसमें, ये पालक की पत्तियाँ, और कुछ यहाँ पर मेरे पास चाइनीज कैबेज भी है, तो उसको भी ऐसे ही तोड़ लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया क्रिस्प पत्ते हैं। तब तक इसमें हम बाकी चीज़ें डाल लेते हैं, जैसे नमक, नमक स्वादानुसार, सोया सॉस, अब इसमें ये पालक के पत्ते और चाइनीज कैबेज, इसे भी टॉस करना है हमने। स्टर फ्राइंग का मतलब क्या होता है? स्टर फ्राइंग का मतलब ये कि तेज आंच के ऊपर जितनी चीजें हैं उसको हमने हिलाना है, स्टर करना है। स्टर फ्राइंग के फायदे बहुत सारे होते हैं, एक तो ये कि खाना बनाते समय समय बहुत कम लगता है, दूसरी बात ये कि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बरकरार रहते हैं काफ़ी मात्रा में।
अब इसमें रेड चिली पेस्ट और इसके साथ साथ इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और इसे गाढ़ा करने के लिए इसमें हम डालते हैं थोड़ा कॉर्न स्टार्च। तो इसमें पानी में घुला हुआ कॉर्न स्टार्च, देखिए कॉर्न स्टार्च डालते ही इसका जो कलर है, इसकी जो सॉस है उसका ग्लेज कितना बढ़िया हो गया, और जो सब्जियां हैं उसके ऊपर भी ये थोड़ी सी सॉस लगने से ये जो स्टर फ्राई हमने की हैं सारी सब्जियां वो बढ़िया हो गई हैं, दिखने में अच्छी हैं, खाने में टेस्टी लग रही हैं, मुँह में पानी आ रहा है। खैर मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा वैष्णवी जी का, क्योंकि उनको खिला के देखता हूँ कैसा पसंद आता है। वैसे ये तो है काफ़ी लो कैलोरी डिश, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि लो कैलोरी खाना बहुत बोरिंग होता है और उसको खाने में मज़ा नहीं आता। खैर ऐसे लोग जिनको लो कैलोरी खाना पसंद ना हो तो वो इसको ना खाएं, काजू हैं काजू खाएं, और अगर इसको हाई कैलोरी बनाना है तो इसके अंदर काजू डाल दें। और अब इसी डिश को आपने लो कैलोरी बनाना है तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, इसमें से काजू ना खाएं, काजू के बिना लो कैलोरी है और काजू के साथ में हाई कैलोरी, मर्जी आपकी है। पाँच से छह मशरूम, एक हरी शिमला मिर्च, एक लाल शिमला मिर्च, एक पीली शिमला मिर्च, दो लहसुन की कलियां, दो खीरे, तीन से चार सिंघाड़े, छह सात पालक के पत्ते, छह सात चाइनीज कैबेज के पत्ते, दो हरे प्याज, एक छोटा चम्मच तेल, नमक स्वादानुसार, दो छोटे चम्मच डार्क सोया सॉस, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च की पेस्ट, एक चौथाई का वेजिटेबल स्टॉक, एक चौथाई छोटा चम्मच मोनोसोडियम ग्लूटामेट, दो छोटे चम्मच कॉर्नस्टार्च, छह सात काजू और एक चौथाई कप बीन स्प्राउट। स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स बनाने के लिए एक पैन में तेल लेकर उसमें क्रश्ड लहसुन, हरा प्याज, स्लाइस सिंघाड़ा, कटे हुए खीरे के टुकड़े और स्लाइस मशरूम डालकर कुछ देर तक सौते करें। इसमें कटी हुई हरी, लाल और पीली शिमला मिर्च डालकर मिलाएं, नमक स्वादानुसार और डार्क सोया सॉस डालकर स्टर फ्राई करें। पालक और चाइनीज कैबेज के पत्ते तोड़कर डालें और थोड़ी देर तेज आंच पर पकाएं। इसमें रेड चिली पेस्ट, पानी या स्टॉक, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और कॉर्न स्टार्च डालकर मिलाएं और गाढ़ा होने तक पकाएं। इच्छा अनुसार काजू और बीन स्प्राउट्स डालकर गर्मा गर्म परोसें। इतनी बढ़िया भी डिश बनाई, वेजिटेबल स्टर फ्राई दिखने में इतनी अच्छी थी। खैर लो कैलोरी की हम बात कर रहे थे और जिम का बहुत शौक है, मेहनत करने का शौक है, खाना खाने का कितना शौक है? सबसे ज्यादा इसलिए तो जिम जाती हूँ। अच्छा इसलिए। खैर चिकन है मेरे पास, चिकन की ब्रेस्ट है, तो इससे क्या खाना पसंद करेंगे? जो भी हो टेस्टी हो और लो कैलोरी हो। जो भी हो टेस्टी हो लो कैलोरी हो। I'm not very fussy about food. You're not fussy about food. I'm so thankful to you. क्या होता है लोग होटल में जाते हैं, बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि चिकन तो है, दिखने में बहुत अच्छा है और कुछ चीज़ें अंदर भरी होती हैं, स्टफ किया होता है, तो ये नहीं समझ आता स्टफिंग कैसे हो गई। तो स्टफ कैसे किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। ये चिकन की ब्रेस्ट ली और इसको तेज छुरी से इस तरह से काटना है। अब इसके बाद छुरी के उल्टे सिरे से इस तरह से, चलिए, और इसको थोड़ा सा मैं मैरिनेट। आई कैन हेल्प यू आउट। यू कैन हेल्प। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ। मुझे भी बहुत शौक है। शौक है? आई लव कुकिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं आपको कुछ काम दे देता हूँ। या दैट विल बी फाइन। गाजर है, इसको ग्रेट कर लें बस। हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ आराम से, कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा काम है। ओके तो इसकी स्टफिंग के लिए बारीक कटा हुआ प्याज या हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन और ये खूबसूरत सी जो चीजें हैं शिमला मिर्च, लाल और पीली, दिखने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होंगी। बहुत ही बढ़िया है। चलिए ये हो गया और इसके साथ थोड़ा सा चीज और ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा कैलोरी, थोड़ा सा डालें ना, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। तो ये नमक, इसमें कैरेट कैसी हो रही है? कहाँ है ये? अच्छा अंदर है। अब निकालती हूँ। हाँ बहुत बहुत अच्छी की। तो फिर अब इतनी मेहनत की है तो कैरेट भी यहाँ डाल दीजिए। ठीक है बस इतनी सी? हाँ बस बहुत हो गई। पर कैसा लग रहा है कैरेट को ग्रेट करना?
बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा तो और करती रही, मुझे चाहिए नहीं लेकिन आप करिए। ये काम मैं खुद नहीं करती हूँ। अच्छा, मेरी जो लड़की है घर पे उसे करवाती हूँ। अच्छा, छोटे छोटे काम। तो ये जो किचन में काम है जी। अब जैसे छोटी माँ, सब लोग ऐसे जानते हैं आपको, तो उसमें बड़ा मजा आता होगा काम करने में। आपको एक पते की बात बताती हूँ। हाँ हाँ। छोटी माँ में एक ऐसा सीन नहीं हुआ है, हालांकि माँ का एक इमेज होता है कि वो किचन में बच्चों के लिए खाना पकाती है, पर आज तक एक ऐसा सीन नहीं हुआ है जिसमें मैं बच्चों के लिए या किसी के लिए कुछ बना रही हूँ किचन में। बट रियल लाइफ में ऑफकोर्स आई लव कुकिंग। मतलब छोटी माँ में भी थोड़ा खाना बनाना चाहिए मुझे लगता है। खैर, ये गाजर, प्याज, कैप्सिकम और थोड़ा सा चीज, ये भी दिखने में कितनी अच्छी, इसको भी इसमें डाल देते हैं। ये जो स्पैरगस की टिप्स हैं सिर्फ, इसी में सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है। अच्छा। और ये भी कच्ची इसी तरह से डाल रहा हूँ मैं। अब इसको मैं रोल कर देता हूँ, ये देखिए बस। ओके। कितना सिंपल है। अच्छा, अब ये जो स्टफिंग की है, अब ये खुल सकती है, निकल सकता है, तो थोड़ी सी टेंशन है, तो कम कर लेते हैं जी। ये हरे प्याज की पत्तियाँ हैं। ओके। ये रही, तो इससे इसको बांध देते हैं। अरे वाह। अब इसको ओवन के अंदर बेक कर लेते हैं जी। क्योंकि खाना बनाते समय जैसे बेकिंग है, स्टीमिंग है, रोस्टिंग है, उसमें बिना तेल के काम हो सकता है। ओके। तो इसको हम ओवन में पका देते हैं। और ये कौन सा ऑयल है? ये नॉर्मल ऑयल है, रिफाइंड ऑयल, वो भी इसमें नहीं डाल रहा हूँ ताकि ये नीचे चिपके नहीं, तो दो चार बूंद तेल की सिर्फ, जस्ट फॉर दैट। हाँ, और कुछ नहीं। जिस तरह की ये ट्रे है शायद चिपकेगा भी नहीं। ओके। लेकिन वो इसके अंदर नहीं जा रहा है। ये चिकन, ये आप खुद बना सकते हैं, कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। कितना सिंपल है। अब जब मैं घर जाऊंगी, मुझे वक्त मिलेगा, तो सबसे पहले यही डिश बनाऊंगी। एंड आई एम नॉट जोकिंग। नहीं नहीं, आई विल डू इट। छोटी माँ में अभी तक आपने नहीं बनाया, बट रियल लाइफ में तो बना। रियल लाइफ में मौका ही नहीं मिला छोटी। तो इसको ओवन के अंदर, और ओवन में जितना ओवन आपका सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म होता है उस तक उसको गर्म कर लें। और 180 डिग्री है, 200 डिग्री है, कुछ फर्क नहीं ज्यादा पड़ता। इस डिश को सिर्फ बेक किया जाता है, इसे स्टीम नहीं कर सकते। स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो हमने चीजें डाली हैं, चीजें डाली है, उसे बेक करना जरूरी है। कि हवन के अंदर, और अब इसको कुछ देर के लिए पकने देते हैं। चिकन आराम से पकेगा। इसकी सॉस तैयार करनी है हमने, और सॉस के लिए थोड़ा सा तेल। तो ये तेल गरम हो गया, और इसमें चॉप्ड गार्लिक बारीक कटा हुआ, लहसुन इसमें मैंने डाला है। हल्का सा इसको हमने पकाना है, बहुत थोड़ा सा। कुछ चाहिए आपको? हाँ, ये कैप्सिकम, कैप्सिकम जो हरा वाला कैप्सिकम है, ये भी बारीक चॉप किया है, इसे भी थोड़ा सा डाल देते हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप का सॉस है, क्योंकि ये मतलब अभी बनाना शुरू किया है, मुझे भी नहीं मालूम ये क्या है, बट देखते हैं। और क्योंकि नएपन की बात है जी, तो इसमें डालते हैं हम थोड़े से संतरे। ये संतरे के फ्रूट्स भी आ गए, फ्रूट्स भी आ गए। देखिए, सब्जियां, फल, चिकन, सब कुछ। इट्स लाइक अ बैलेंस्ड डाइट। हाँ, अब ये जो है संतरे के पीसेस हैं, कुछ खास इसमें मैजिक नहीं है। okay. सिर्फ उसके जो बीज हैं वो निकालेंगे। okay. और आधे में काटा हुआ है जी। ये अब आ गया संतरे का रस। अच्छा, वो भी संतरे के साथ? संतरे का रस, संतरे के साथ संतरे का रस। और इसके अंदर मैं डालता हूँ टोमेटो केचप, टोमेटो केचप, और इसमें पेपर डाल देते हैं, फ्रेशली क्रश्ड पेपर। इसमें हम हर्ब्स भी डाल सकते हैं। okay. जो बाजार में हर्ब मिलती हैं, फ्रेश okay. डाल सकते हैं, मेरे पास तो बहुत सारी हैं, देखते हैं। ये ड्राइड हर्ब्स, ड्राइड हर्ब्स हैं, थोड़ी सी ड्राइड हर्ब्स। इसको मिक्स कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा धीरे कर देता हूँ मैं। ये शिमला मिर्च, ये इसे सॉस में ऐड करेंगे आप? हाँ, सोच रहा हूँ, क्योंकि ये पड़ी हुई थी वहाँ पर, तो ऐसे पड़े पड़े तो यहाँ पर ये मैंने गरम कर लिया। ये कुछ नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर ग्रिल करना है। ये जो सॉस है
ये ऑलमोस्ट रेडी है और ये क्या? थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए कॉर्न स्टार्च है, कॉर्न फ्लोर ज्यादा नहीं, इसे मैं हटा देता हूँ। और ये जो कैप्सिकम है ये देखिए कैसा, हाँ बिल्कुल। और चिकन चेक करना बहुत जरूरी है, चिकन अब ऑलमोस्ट हो चुका, बिल्कुल हो चुका है ये जो चिकन है, इसे मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए वाओ, चिकन पक चुका है। और यदि आप इसको थोड़ा सा ग्रिल करना चाहें, इसको थोड़ा सा कलर करना चाहें। अच्छा, बेक होने के बाद ये काफी छोटा हो गया। हाँ, श्रिंक हो जाता है, श्रिंक हो जाता। चिकन हो गया, कैप्सिकम हो गया, सॉस हो गई। ये जो कैप्सिकम है इसको सिर्फ इस तरह से काटना है मुझे और सॉस के अंदर डालना है ये। अच्छा, इसे भी सॉस में डालेंगे आप? हाँ, अब ये जो इसका बर्न्ड टेस्ट है, अच्छा, वो इसके अंदर जाएगा। इसकी वजह से जो सॉस है थोड़ी सी कड़वी लगेगी। वैसे ये बनाना तो बहुत सिंपल है जैसे आपने कहा, बट इसके पीछे आपने लगता है काफी मतलब रिसर्च की। हाँ, रिसर्च की, ऐसे लग रहा है जैसे यू नो कि इसमें कुछ नहीं किया, टेस्ट आना चाहिए। और इसमें अब ये जो है चिकन रेडी है, अब इसको निकाल लेते हैं। और अब चाहिए तो इसी तरह से सर्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको काट सकते हैं। तेज छुरी होनी चाहिए और इस तरह से काट लेते हैं। ये देखिए अंदर, हाँ अंदर हरा और लाल रंग, वाओ, तो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये चिकन हो गया, चिकन काट लिया, राइट। थोड़ा सा नींबू काट लेते हैं जी, नींबू के राउंडल्स, और इस तरह से बीच में से आधे में सिर्फ चीरा लगाना है। ये तैयार कर लिया, टमाटर तैयार कर लेते हैं। और ये जो टमाटर है इस तरह से काटने के बाद तेज छुरी से एक बार फिर ये आउटर स्किन, हाँ बस। तो ये जो चिकन है इसे हम रख देते हैं, देखिए। और ये जो सॉस है तो इसे आप इंडियन डिश कहेंगे या कॉन्टिनेंटल? इसको इंडियन डिश कहेंगे या कॉन्टिनेंटल, ये तो मैंने सोचा नहीं। आपको कुछ पेट नेम है क्या? मेरा पेट नेम? हाँ हाँ, गुड्डी। गुड्डी, तो अब इसका ये इंडियन है या नहीं, पर ये है स्टफ चिकन आला गुड्डी, गुड्डी चिकन हो गया। बोनलेस चिकन ब्रेस्ट दो, नमक स्वाद अनुसार, एक बड़ा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, एक कटी हुई प्याज, आधी लाल शिमला मिर्च, एक चौथाई कप ग्रेट किया हुआ चीज, एक ग्रेट की हुई गाजर, 4 से 5 एस्पैरगस, आधी पीली शिमला मिर्च, हरे प्याज की पत्तियां, एक बड़ा चम्मच तेल, 4 लहसुन की कलियां, 2 हरी शिमला मिर्च, 8 से 10 संतरे के टुकड़े, 1 कप संतरे का रस, 1.5 चम्मच टोमेटो केचप, आधा छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, और सजाने के लिए 1 नींबू, 1 टमाटर और कुछ पत्तियां पुदीने की। बोनलेस चिकन ब्रेस्ट को तेज चाकू से काट कर खोल लें और उस पर नमक और काली मिर्च छिड़कें। कटे प्याज, ग्रेटेड चीज, ग्रेटेड गाजर, कटी हुई शिमला मिर्च में नमक डालकर स्टफिंग तैयार करें और उसे चिकन पर रखें। इस पर एस्पैरगस की टिप्स रखकर उसे फोल्ड कर लें और हरे प्याज की पत्तियों से बांध लें। इसे अवन में 200 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 25 मिनट तक पकाएं। सॉस के लिए एक पैन में तेल गरम करें और उसमें कटा लहसुन, शिमला मिर्च, संतरे के टुकड़े और संतरे का रस डालकर पकाएं। अब इसमें टोमेटो केचप, कुटी हुई काली मिर्च और ड्राइड हर्ब्स डालकर कुछ देर तक पकाएं। कॉर्न स्टार्च डालकर सॉस को गाढ़ा करें और ग्रिल्ड शिमला मिर्च के टुकड़ों को सॉस में डालकर पके हुए चिकन के ऊपर डालें और गर्मा गर्म परोसें। आपके हाथ में तो सचमुच जादू है। जादू है? एक मिनट पहले मैं खा लूं। इसके पीछे सीक्रेट क्या है? आप पूछ रहे हैं कि जादू, सबके पास जादू होता है जी। मेरे जादू का राज मुझे मालूम है, बाकी राज जो है मैं नहीं जानता। जब छोटा सा था मैं तो एक ग्रैंडफादर ने मुझे बोला कि खाना अगर जो अच्छा बनाना है तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा चीज़ करनी पड़ती है जी। मुझे बताया गया कि एक शेर के मुंह में हाथ डालो, पीछे जीभ के पीछे हाथ से टच करो और हाथ में जादू आ जाएगा। मैंने वैसे ही किया, तब से खाना बना रहा हूँ और अच्छा बना। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं विश्वास आता आपको?
नहीं लेकिन मैंने तो ऐसे किया।